हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा की जाने वाली दुकानों भूखंडों की नीलामी अब हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की तर्ज पर की जाएगी। कृषि विपणन बोर्ड का नई प्रक्रिया से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि नीलामी प्रक्रिया में भी और अधिक पारदर्शिता आएगी। ये निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया। संसाधन जुटाने के लिए HSAMB द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि तेल मिल, कपास और चावल विक्रेता का नियमित निरीक्षण किया जाए, जिसमें इस वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार शुल्क और HRDF के रूप में 2.73 करोड़ रुपए की चोरी का पता चला है। उन्होंने कहा कि दुकान मालिकों और अन्य लोगों के लिए विशेष रूप से विवादों का समाधान की तर्ज पर एक नया कार्यक्रम चलाया जाए ताकि वर्षों से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निदान किया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को विपणन नीति तैयार करने के निर्देश दिए ताकि राज्य में बनने वाली नई मंडियों में दुकानों का आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा सके। हरियाणा में कुछ मंडियों और खरीद केंद्रों में भीड़भाड़ की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी मंडियों और खरीद केंद्रों की मैपिंग की जाए और जहां कहीं भीड़भाड़ की समस्या हो वहां नए यार्ड, सब यार्ड या खरीद केंद्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाए। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।